छपरा जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। नीतीश जी ने जो संवेदनहीनता दिखाई है ये कहकर कि जो पिएगा वो मरेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सड़क से लेकर संसद तक उसका विरोध करेंगे। ये बातें सुशील मोदी ने आज जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा। जी हां, छपरा जिले के मसरक में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विधायक जनक सिंह के साथ पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे। दर्जनों पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे जानकारी ली, ढांढस बंधा, बाद में मीडिया से बात की। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। और पुलिस पूरे मामले को दबा देती है, जगह जगह लोग जा रहे हैं, तो सब दलित हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, और जब लोग आए और मौत हुई तो अस्पताल में कोई इलाज का इंतजाम अस्पताल में भी इलाज का इंतजाम होता तो बहुत लोगों को बचाया जा सकता। और दूसरी बात यह कि लोगों को डराया गया कि अगर पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, कि शराबबंदी यहां लागू होगी। तो जिस तरह की घटना घटी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, देख रहे हैं आप किस तरह के गरीब लोग हैं, उनका इन बच्चों का क्या होगा, पांच पांच छह छह बच्चे हैं, पत्नी है, विधवा है, नौजवान अपनी कम उम्र की पत्नी है। और मुख्यमंत्री कहते तो आपने गोपालगंज में क्यों दिया मुआवजा? 2016 में गोपालगंज के खटियाबंदी में जब 17 लोग मारे गए, मर गए थे जहरीली शराब से, उसमें 12 लोगों को 4-4 लाख गरीब लोग मर गए। तो नीतीश जी जिस प्रकार की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। जब मैंने कहा कि अगर वो ये कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा, तो नीतीश जी याद रखिए, जो पलटी मारेगा वो राज करेगा, ये नहीं चलेगा। पलटी मारने वाले को राज नहीं करने देंगे। और आप ये जो कर रहे हैं और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बगल में कहीं शराब की बोतल मिली और कहा जा रहा कि साहब उनके घर में शराब की बोतल मिली, ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। और जो भाषा का प्रयोग करेंगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी तक एसपी पे कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, एसपी को तो सस्पेंड करना चाहिए। तो मैंने कहा कि 6 महीने में दूसरी बड़ी घटना, पहली घटना नहीं है। और अभी तक 3 थाना इसमें इन्वॉल्व है, यानी एक थाना के 2-3 लोगों को सस्पेंड किया गया। मेरे साथ माननीय सांसद श्री जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, माननीय विधायक जनक सिंह जी हैं, कल से लगातार घूम रहे हैं। और हम लोग अपनी ओर से जो थोड़ी बहुत मदद होगी हम लोग करेंगे। इन्होंने ऐलान किया सिग्रीवाल जी ने कि श्राद्ध के लिए हम राशि देंगे ताकि लोगों का श्राद्ध सके। और सारे के सारे गरीबों से, नीतीश जी अभी भी संभल जाइए, हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता ये बर्दाश्त नहीं होती इसको। और ये नरसंहार है। आगे शराब आई कैसे? वो पी लिया तो वो दोषी है। और शराब जिसके राज में अवैध तरीके से आ गई तो आप क्या जिम्मेवार नहीं? और कोई पहली बार आ रही है शराब जो है, इसलिए नीतीश जी को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से। लेकिन चलते और मुझे का ऐलान करना रोड दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।